अनजाने वाली बात ही नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं आप, तो मैं आपको बता दूं कि इतनी सॉलिड टेक्निकल टीम उनके साथ में है। और मैं एक बायस होकर नहीं बात कर रहा हूं कि मैं गुजरात में बैठा हूं तो मुझे मोदी जी की तारीफ करनी, लेकिन जो मैं जो लेन बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा तारतम्य जो लोगों से संपर्क है गांव के लोगों से है, मैं देहात में काम करता हूं, लेकिन जिस तरह से देहातों में आम लोगों के बीच तक इनकी पैठ बनी है मैं इतना जानता हूं। और मैं इतना कह सकता हूं कि एक तरफ की जो जीत है, एक तरफ का जो वार साइबर वार कह रहे हैं, एक तरफ जो निर्णायक जीत की तरफ साइबर वार तो पहुंच गया, इतना मैं जानता हूं। और इन्होंने सही ये जो आप कह रहे हैं कि ये लिमिटिंग फैक्टर बन सकता है, ये निर्णायक जीत में निर्णायक भूमिका अगर निभा सकती है तो ये साइबर पॉपुलेशन भी निभा सकती है। क्या ऐसा हो सकता है अजय साहब, जो 20 करोड़ बताया जा रहा है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप 20 करोड़ देखें तो ये उस आबादी से भी ज्यादा है जो माइनॉरिटीज के तारतम्य में कही जाती है कि वो लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है, ये दलितों की आबादी से भी ज्यादा है, तो क्या ये 20 करोड़ इनको मोनोलिथिक वोट मानते हुए हम ये मान सकते हैं कि एक तरफ ड्रिफ्ट हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि जो सारे लोग इस पे हैं वो एक ही ढंग से जाएंगे, वोटिंग उसमें होगा। देखिए, इस पे सीधा सा अगर आप देखें, मैंने उनको जब वो दिल्ली में थे उस समय भी देखा है, और 96 ऑनवर्ड्स हम उनको देखते थे कि वो इस तरह की चीजों को लेके उसके लिए एक उनका जैसे एक क्या कहिए उसको, हाँ, उनको उनका नेचुरल एक वो था। तो फोन को लेके या इंटरनेट को लेके, जब उस समय जब इंटरनेट बिल्कुल नया नया आया था उस समय भी वो इंटरनेट पर रहते थे। सीएम होने के बाद भी ही जो हमें वहां से वो है इंफॉर्मेशन है वो ये कि सुबह उठ के वो सबसे पहले नेट पे सारे इंडिया के अखबार देख लेते हैं। तो सुबह छह या सात बजे तक उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसकी मेन वजह यह है कि चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो था ना वो एंटी आरएसएस था, तो आप ये ट्रेंड सिर्फ उन्हीं में नहीं देखेंगे, आप आरएसएस में भी देखेंगे। आरएसएस भी इस तरह का जो आउटलेट था उसमें उसने ज्यादा वो किया, इन्फिल्ट्रेट किया, और आरएसएस के पास नया इन्फ्लुएंस भी ज्यादा है। जी, यहां पर मैं ऐड कर दूं, पिछले 10 सालों में जो फेसबुक और कुट वाला जो जमाना जब शुरू हुआ तो किसी भी क्लेवर मार्केटिंग एक्सपर्ट को यह समझ जाना चाहिए था, और ये मोदी जी की टाइमिंग की हमें दाद देनी पड़ेगी कि उनको यह समझ में आ गया कि ये बहुत बड़ा मार्केट रेडिली अवेलेबल है और उसका कोई कॉम्पिटिटर उनके सामने उस वक्त नहीं था, तो उन्होंने सही समय पर उस मार्केट में अपनी एंट्री करवा ली। तो ये बहुत क्लेवर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने उस साइबर मीडिया में प्रवेश लिया है। राजनीति एक चीज और, हम साइबर की बात करें, एक बहुत पुराना मीडिया है कॉमिक, मुझे तो कम से कम याद नहीं आता पिछले 25 सालों में कि ऐसे कोई इलेक्शन में उतरा हो, बाल नरेंद्र कॉमिक बुक निकली। ऐसा कब इस्तेमाल हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री पद के लिए जो व्यक्ति जा रहा हो उसके कॉमिक स्ट्रिप, और उसमें पूरे में यह दिखाया गया है उसकी कॉमिक स्ट्रिप में कि कैसे इस बाल बचपन के नरेंद्र मोदी में कैसे नेतृत्व की सभी क्षमताएं थी, मगरमच्छ की झील पार कर जाना कि ये हौसला है, या फिर कबूतर को मांझे से छुड़ा देना, ये सब चीजें और सबका एक निष्कर्ष बताया गया है। तो ये भी तो एक पुराने मीडिया को भी इस्तेमाल करने के, इस तरह से इस्तेमाल करने का एक अलग तरीका निकाला है ना। बिल्कुल, ये मैं वही कह रहा था कि एक बहुत ही ये जो पूरा जो कैंपेन डिजाइन है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उसका इम्पैक्ट उसके खर्चे से कहीं ज्यादा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसको बहुत सोच समझ के, मतलब इट्स लाइक यू कांट एस्केप मी इफ यू आर अराउंड इन इंडिया एंड द इलेक्शंस आर ऑन यू विल नॉट बी अलाउड टू एस्केप मी। आप किसी भी वेबसाइट पर जाए, 5 मिनट आप वहां पे होंगे, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखना, नरेंद्र मोदी आपको छूकर चले जाएंगे। लेकिन क्या आदित्य जी, ये छूकर चले जाना और ये जो क्लेवर जिसकी बात कर रही थी कि वो क्लेवर थे टाइमिंग समझने में, जब क्लेवर कहा जाता है तो ये नेगेटिव कोनोटेशन है या पॉजिटिव? नहीं नहीं, क्लेवर का तो एक ही कनोटेशन है, क्लेवर है ना, कि तो ये तो मतलब उन्होंने सही वक्त में समझा। आपने एक, हाँ, आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी, तो ये आप उनको क्रेडिट देती हैं कि उन्होंने नफ्स पकड़ा, निश्चित रूप से अपने अनुकूल बना लिया परिस्थितियों को, वो कौन कर सकता है, इतना मुश्किल काम है। आप देख लीजिए, अपने सामने एक उदाहरण है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन आप कोई भी तस्वीर देख लीजिए उनकी, जहां वो G20 में या ओबामा के साथ या एंगेला मर्केल के साथ खड़े हुए, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि वो उनके पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब यहां सत्ता को नकारने की प्रथा है,
और मोदी कह रहे हैं मैं सत्ता को बाहों में लूंगा, उसका आलिंगन करूंगा। आयरनी वहां पे ये है कि 60 साल से ऊपर होने के बाद भी आइकन यूथ के बने हुए हैं 64 के होने के बाद। यहाँ पे हम उनको शामिल भी, बाहर भी हमारे मेहमान हैं उनको भी शामिल रखते हैं इस चर्चा में, नहीं तो वो सोचेंगे कि उनका डिसएडवांटेज है कि वो बाहर है। बद्री ये बात यहां पर हो रही है कि एक उन्होंने एक एडवांटेज के तौर पर इस मीडिया को इस्तेमाल किया, लेकिन वो प्रॉब्लम को एडवांटेज में बदल देते हैं। ये खुद कहते हैं कि विरोधी पत्थर फेंकते हैं मैं उनकी सीढ़ियां बना लेता हूं। फिर क्या वजह है कि जो जिसको हम मेन मीडिया कहते हैं, मेन लाइन मीडिया कहते हैं, वो लगातार उनसे छिटकता रहा, उसको वो अपने लिए मोड़ नहीं सके? नहीं ऐसा नहीं है, मेनस्ट्रीम मीडिया पिछले दिनों उनकी तरफ मिली है। आपने देखा होगा पिछले 4-6 महीने जब से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार साबित हुए हैं, घोषित किए गए हैं, तब से मिली है और नए मीडिया के चरित्र में परिवर्तन आया है। कॉर्पोरेट आप देखिए शेयर किस तरह से बिके हैं, शेयर खरीदने वाला कौन है, उसमें कौन सबसे पावरफुल है। आप मीडिया का अगर चरित्र का इकोनॉमिक जो उसका जो बेस है उसका एनालिसिस करिए तो आपको पता चल जाएगा मोदी का जो शिफ्ट है मीडिया इमेज में वो कॉर्पोरेट का शिफ्ट का सुशक है। और दूसरा कि ये जो कह रहे थे अरविंद जी की पहले कांग्रेस की तरह की थी, कांग्रेस को सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट सपोर्ट रहा है, ये कॉर्पोरेट सपोर्ट तो ठोस चीज नहीं है, फिक्स नहीं है, तो शिफ्ट करती है। उसने देखा कि हमारा सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, हमारा व्यापार, हमारा बाजार, ये आदमी ज्यादा कहने का बद्री जी का तात्पर्य है। लेकिन अरविंद साहब ये जो लोग हैं 20 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर्स और ज्यादातर सोशल साइट से जुड़े हुए, ये कैसे इफेक्ट करते हैं? ये क्या दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा वोकल, ज्यादा पार्टिसिपेट करने वाले, खुद को मुद्दों में, इश्यूज में ज्यादा इन्वॉल्व करने वाले होते हैं? और यही दिखा था दामिनी और इस तरह के दूसरे इश्यूज में। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, सोशल मीडिया का ये जो 20 करोड़ की जनसंख्या आप बता रहे हैं, ये वो लोग हैं खासतौर पर जितना यूथ है ये यहां जुड़ा हुआ है या रिलेटिवली ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, जो आमतौर पर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहता है। और मोदी जी ने इसी स्पेस को कैप्चर किया, सबसे पहले वो वहां पहुंचे, उन्होंने वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जो उनके लिए अप्रोप्रिएट थी और नेचुरली एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ। और ये भी देखना पड़ेगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये वो वोटर है जो फ्लोटिंग वोटर, ये कास्ट और कम्युनिटी से आसानी से ऊपर उठ सकता है, ये अगर उसे क्रेडिबल गवर्नेंस दिखाई पड़ेगी, पॉलिसी पैलेसेस हटाने वाला व्यक्ति दिखेगा, एक विजन रखने वाला व्यक्ति दिखेगा। और कहीं ना कहीं जो मोदी का 3 इलेक्शन जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड है वो दिखाता है कि अगर वहां की जनता ने उनको चुना है तो एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव हो सकता है। और इसी अपने सच को लेकर के वो इन 20 करोड़ लोगों तक सबसे पहले पहुंचे हैं, उनको कन्विंस कर पाए हैं। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। फिल्म सिटर्स जितने हैं इस 20 करोड़ में, उनमें से एक मेजर कन्वर्जन होगा, सब तो नहीं कन्वर्ट होंगे लेकिन मेजर कन्वर्जन की अपॉर्चुनिटी है यहां पर। चलिए, लेकिन जब यही बात हमने आम जनता से पूछी कि मोदी इस तरह से क्यों, वो शुरू हुए थे कि अनटचेबल से, लेकिन आज अनमैचेबल हो गए, उनका कद इतना बड़ा हो गया, क्या राज है मोदी की मजबूती का, ये हमने आम जनता से पूछा। आइए देखते हैं क्या कहा लोगों ने। तो डेवलपमेंट है उनका सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो है डेवलपमेंट, तो उन्होंने गुजरात को जिस तरीके से उन्होंने रखा है उस हिसाब से उनका सफलता का यही राज है। आई केम टू अहमदाबाद इन 2004, तब जो पोजीशन थी अहमदाबाद की और आज की पोजीशन देखिए, मतलब बहुत सा डेवलपमेंट है। गुजरात में जैसे डेवलपमेंट किए उन्होंने चीफ मिनिस्टर टेन्योर में, ऐसे ही इंडिया को भी वो बनाएंगे। उनका एक्सपीरियंस और उनका बैकग्राउंड, जो गुजरात में उन्होंने डेवलपमेंट करी, सब कुछ करा, उनकी मजबूती है, उसका कोई राज नहीं, सब पैसे का खेल है। मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू बस वो लोग अपने आप को दिखा रहे हैं। मोदी की मजबूती का उसका प्रचार है, नो डाउट गुजरात में काम हुए हैं, लेकिन आजकल की जो रिपोर्ट आ रही है उससे नहीं लग रहा है कि इतना काम हुआ है। चलिए, मसला ये भी कि इसके पहले बहुत सारे लोगों के लिए उनके नाम की रट लगी, उनके नाम के नारे लगे चुनावों में, लेकिन मोदी में ऐसा क्या है जो उनके मुकाबले मोदी को अलग करता है? छोटे से ब्रेक के बाद निष्कर्ष।